बॉस आपके बीच में सोशल Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. आज हमारे मंडल चिकित्सालय में हमारी North Western Railway Employees के महासचिव गुप्ता जी और Lions Club के members आके हमको 20 PPE kit donate किए हैं. ये हम उनका बहुत दिल से आभारी है, धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का जो ये सामाजिक कार्य है और हमारे स्टाफ के लिए ये डोनेट किया, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है. इस तरह का मतलब क्या है कि जो समाज में जागरूक लोग हैं वो इस तरह का कार्य करेंगे तो हमारे जो स्टाफ है डॉक्टर्स को मोटिवेशन रहेगा. मैं तो यही निवेदन करूंगा इन लोग इस तरह का कार्य करते रहे, स्टाफ को जो भी मदद करे, जो भी संस्थाएँ सामने आए उनका हम स्वागत करते हैं, बहुत बहुत आभारी हैं. ये ज़रूर PPE किट वगैरह ये सब चीज़ें क्या है कि स्टाफ के लिए बहुत ज़रूरी आवश्यक है और हमें इससे फ़ायदा होगा, हमारे स्टाफ को फ़ायदा होगा. उम्मीद करता हूँ कि ये एक्टिविटी जारी रहेगी. धन्यवाद. अभी COVID-19 में पिछले दो महीने से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के लगभग 250 पदाधिकारी कार्यकर्ता लगातार पूरे मंडल पर अजमेर से आबू रोड पालनपुर तक और इधर भीलवाड़ा उदयपुर तक रेल कर्मचारियों के बीच, रेल कर्मचारियों के परिवारजनों के बीच, रेलवे के जो हमारे से इनडायरेक्टली जुड़े हुए लोग हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो या कूली बंधु हो, इन सब की मदद के लिए लगातार प्रयत्नशील है और कभी मास्क के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, कभी सैनिटाइजर के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, कभी खाद्य सामग्री के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, कभी गमछे तौलियों के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सभी रेल कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा बना रहे. इस संकट में देश की सेवा पूरे लगन के साथ करने का काम करें. और इसी कड़ी में आज हमने रेलवे हॉस्पिटल में ये लॉयंस क्लब के सहयोग से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का काम रखा है और इसमें हम लॉयंस क्लब के हमारे तमाम पदाधिकारियों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. मोहन चलानी, मंडल अध्यक्ष, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज. COVID-19 के चलते जिस तरीके से कोरोना वायरस का संक्रमण इस बार भारत में फैलता जा रहा है और जिस प्रकार की परिस्थितियाँ बन रही हैं, ऐसे में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन अपने रेल कर्मचारी और उनके परिवार और रेल से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों में विभिन्न तरीकों से किसी प्रकार की कोई सहायता, कोई मदद करने का प्रयास कर रहा है. उसी कड़ी में आज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन ने लॉयंस क्लब आस्था के सहयोग से हमारा जो अजमेर का मंडल रेलवे चिकित्सालय है, जिसने स्वयं ने यहाँ पर अपना आइसोलेशन वार्ड बनाया है और उस आइसोलेशन वार्ड के अंदर 3 टीम, जो 10-10 कर्मचारी डॉक्टर सहित 10-10 कर्मचारियों की टीम बनाई है जो वो काम करती है, तो यूनियन ने ये विचार किया कि हमारे रेलवे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ जो आइसोलेशन वार्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए PPE किट उन्हें प्रदान की जानी चाहिए. और आज लॉयंस क्लब के माध्यम से 20 PPE किट हमने रेलवे चिकित्सालय अजमेर को और 20 PPE किट हमारा जो जयपुर में पूरे जोन का सेंट्रल हॉस्पिटल है उसको आज यहाँ प्रदान करने का काम किया है. और इस प्रकार की जो भी आवश्यकता अगर इस रेलवे हॉस्पिटल को, हमारे मेडिकल स्टाफ को होगी, उसका भी हम भरोसा दिलाते हैं कि आगे भी देते रहेंगे. आज ही CMS महोदय आदरणीय PC मीणा जी ने हमारे सामने 100 N95 मास्क की मांग रखी है, तो निश्चित रूप से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन आने वाले 3-4-5 दिन में वो भी उन्हें उपलब्ध कराने का काम करेगी. अरुण गुप्ता, मंडल सचिव, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन.